बेस्ट फाइव टेस्ट फॉर योर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। सबसे पहला टेस्ट हमने करना है डेक्सा स्कैन, जिसमें हमें ऑस्टोपोरोसिस का पता लग जाता है कि हमारी हड्डियाँ वीक तो नहीं हो रही। सेकंड आता है हमें स्पाइन का एक्सरे और नी का एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा वेट आता है, लोड आता है। अगर कोई पोस्चरल प्रॉब्लम है तो स्पाइन के एक्सरे से पता लग जाएगी, अगर हमारा नी में स्पेस कम हो रहा है तो वो नी के एक्सरे से पता लग जाएगा। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, ये दोनों एक्सरे रिलेटेड हो गया, स्कैन रिलेटेड हो गया। थर्ड आता है विटामिन डी और B12 ज़रूर चेक करवाइए, ये ब्लड टेस्ट में आएगा। कैल्शियम और यूरिक एसिड लेवल ज़रूर चेक करवाइए, ये भी ब्लड टेस्ट में आएगा। और CRP लेवल, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब भी कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेटरी पेन होता है, तो उसको पता करने के लिए हमें CRP टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर ये बड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़रूर है। तो ये फाइव टेस्ट है हमारी जो हमें 40 ईयर्स के बाद करवा लेने चाहिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारी बॉडी में हमारी बोन और ज्वाइंट की क्या कंडीशन है।